हेलो हेलो एक गीत आया है अब क्योंकि क्योंकि ये प्रभात काल की बेला है हो सके तो जवाब दे देना हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है ना 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 ये स्वतंत्र गीत है आपका स्वतंत्र गीत है आवश्यकता नहीं है ना ना बिल्कुल आवश्यकता नहीं कलम उठाने की भी नहीं है डर दे बात मान लेंगे ओहो बेटा वो ध्यान धरे ना धरे तो धरे से वो जिन जाए काशी में जन्म लियो वो जब तप करे ना करे तो करे वो क्या बात है बेटा क्या बात है जिन मात पिता की सेवा की वो लोग तरे ना तरे तो तरे से जिनकी जग से उठ बात गई वो लोग मरे ना मरे तो समझो बहुत बुरी बात और जिस दिन तेरी मेरी मैंने समझाया तुम्हें तो और तुमने मारी ना ये जब इतना कहा ससाने ने कहा हट पगले हट पगले मुझसे कह रहा है कहा विभीषण मैंने जो किया है नहीं जान पाया ज्ञान नहीं निवेदन करने लगा प्रभु राम से प्रभु वो मैंने लगाई जो अपने आप
गबा दे गबा दे मुक्ति ना हो ये क्या बात है प्रभु मुझे जगा रहा अनुराग राम तेरे लिए मैंने दिया तुम्हारे लिए क्या है क्या बात है क्या बात लोग मुझे कहते हैं कि सीता का हरण किया है जी हाँ मैंने सीता का हरण किया है लेकिन आज कोई ऐसा पिता है जो अपनी बेटी को ससुराल में दुख सहते हुए देख रहे हैं ने कहा प्रभु जयमाला कार्यक्रम शुरू खुश रहो बेटा खुश रहो देखिए बड़ा प्यार और स्नेह मिलता है डेढ़ किलो प्यार और चार किलो स्नेह हमारे लिए क्या और हजार रुपए के बराबर है हाँ हाँ बेटा क्योंकि इन्होंने मुद्राएं पुरस्कार दी है अच्छा पुरस्कार नहीं समझ रहा ना बेटा ना मैं महाराज का आशीर्वाद समझ रहा हूँ एक साथ आप मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं साथ में जोड़ दिया है हमारे संजय राठौर जी को जो कशिश स्टूडियो के नाम से जाने जाते हैं तो ये आपका आभार है मैं आपके आभार को कैसे झुकाऊंगा बस बस हम आपके ऋणी हैं बिल्कुल आप मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं सिर्फ मेरे लिए रिक्की जी आप बहुत प्रयास कर रही हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ तो आप प्रयास करेंगी मैं भी प्रयास करूंगा तो एक दिन क्या बात है आपके सहयोग से ऊंचाइयों को उस बुलंदी को मैं भी छूंगा बिल्कुल आप लोगों का अगर आशीर्वाद बनता रहे पप्पू जी ने पप्पू महाराज ने तो संकल्प ही कर लिया है कीर्तन जगत में दिखा के ही रहूंगा आपको प्रणाम कर रहा हूँ भाई बिल्कुल आपसे आशीर्वाद ले रहा हूँ कहना है अरे अपनी है रिश्तेदारी का प्रभु और तुम दामाद हमारे चौकी और तुम दामाद हमारे चौकी ये सीता सुता हमारी ये कोई ऐसा पिता जो अपनी बेटी को दुख में देखता रहे क्या बात है क्या बात है प्रभु मैंने सुना कीरा बनते हैं आए फूल जैसी कोमल तेरी सिया को भी ला महलों में रहने वाली कलियों पे सोने वाली आज उस बनवन में भटक रही है सहा नहीं गया उसे देखा देखा नहीं गया इसलिए प्रभु मैंने सुना बचपन में है आए फूल जैसी अरे आपको बड़े बड़ा
बात सुनेगा। क्या बात है? कहा दशानन ने प्रभु से कि प्रभु मेरी बेटी, मेरी बेटी वन में रहे ये मैंने ना सह पाया। मेरी बेटी वन में रहे उससे दी सहा गया तो इसलिए है राम सिया को मैं लंका ले जगत में ऐसे पहले कलाकार हैं, चाहे छोटा सा छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा से बड़ा कलाकार हो, लेकिन सम्मान करने में कभी कमी नहीं करते, बराबर उत्साहित करते हैं कलाकार को, उसका उत्साह वर्णन कराते हैं और पुरस्कार भी करते हैं। मैं अपने अपने महाराज के चरणों में कोट को नमन कर रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ, कुछ माल और मुद्राओं से सम्मान किया हमारे भाई जी को, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कहना है जानकी ने कुछ खाया क्या नहीं है। क्या बात है? क्या बात है? तो कहा है सदा रहे, सदा रहे राम तेरे बहुत अच्छी लगी थी आप लोगों लाला राम भैया जी। अरे हसी खुशी से आज सिया का हाथ तुम्हें देता हूं ये प्रभु का भी राज दे रहा हूं। क्या बात बेटा? क्या बात? क्योंकि चाहे मैं लाल चंद्र जरूरी था